नमस्कार दोस्तों, दशहरे की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। भ्रष्टाचार के रावण को खोजते हुए हम राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन आए हैं और यहाँ हमने देखा योगी राज में, जबकि एक मठाधीश, एक पुजारी प्रदेश के सूबे को चला रहे हैं, वहीं कुछ महंत और साधु इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग आए हैं गोंडा से, इटिया थोक थाने के ब्लॉक रुपेडिया में, ग्राम तिर्रे मनोरमा है, जो मनोरमा नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मा जी के पुत्र उद्दालक मुनि की ये तपोस्थली रही है और राजा दशरथ ने पुत्रों की प्राप्ति के लिए यहाँ पर यज्ञ किया था। इतनी ऐतिहासिक जगह पर है राम जानकी मंदिर, जिसके ये महंत हैं सीताराम दास जी। इन्होंने ये वीडियो हमको दिखाया है कि कैसे मंदिर की 120 बीघा पर कब्जा करने के लिए एक व्यक्ति अमर सिंह है, जिसने पहले पिछले साल गोली चलवाई थी पुजारी सम्राट दास पे, और अब 4 अक्टूबर को ये वीडियो आप देख रहे हैं, जब कई लोगों को लेकर उसने मंदिर के पुजारियों के ऊपर हमला किया और इनको चोटें आईं। उसके बाद जब ये रिपोर्ट लिखाने गए तो इनकी कुछ सुनी नहीं गई, उल्टा इनके खिलाफ़ FIR लिखा दी गई है। तो दोस्तों, ये खबर है आज की कि बुराई का अंत होता, रावण तो हर साल दहन हो रहा है लेकिन बुराई का अंत होता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम बात करेंगे महंत सीताराम दास से और जानेंगे कि आखिर ये मंदिर की संपत्तियों को लेकर के आए दिन ऐसे विवाद क्यों होते हैं, क्यों ये संपत्तियाँ हत्या, आत्महत्या या ऐसे ही अराजक कारणों का केंद्र बनती जा रही हैं। महाराज जी, आज विजयदशमी का पावन दिन है और इको गार्डन पे आप गोंडा से चल करके आए हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उत्साह का संचार है, दुर्गा पूजा खत्म हुई है, विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, जगह जगह मेले लग रहे हैं और आप यहाँ बियाबान सुनसान इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आज की जो ये सरकार है उसमें प्रशासन बेलगाम है। मैं गोंडा से आया हूँ, मेरा नाम महंत सीताराम दास है, मैं राम जानकी मंदिर तिर्रे मनोरमा का महंत हूँ। देखिए, मेरे साथ बीते 4 अक्टूबर को एक बुरी अप्रिय घटना हुई। मैंने माननीय DM से बात करने के बाद जब मैं मंदिर में गया तो वहाँ 10-15 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मंदिर के अंदर घुसे, जिसका वीडियो साक्ष्य है। अच्छा, हाँ, मुझे मारने पीटने लगे। वीडियो साक्ष होने के बाद, देख कितनी गंभीर बात है कि वीडियो साक्ष होने के बाद वहाँ के SSP को, वहाँ के DM को, वहाँ के राजनेताओं को नहीं दिख रहा है कि क्या न्याय है, क्या सही है, क्या गलत है। जब वीडियो साक्ष के बाद ये लोग न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो जो लोग बेचारे असहाय हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो गरीब हैं, जो और साधु संत मारे जा रहे हैं, जितनी ब्राह्मणों की हत्याएँ हो रही हैं, उसमें ये लोग कैसे न्याय देते होंगे? हैं, प्रश्न ये भी तो है, अगर ये वीडियो साक्ष्य के आधार पर न्याय नहीं दे सकते हैं तो बिना साक्ष्य के कैसे न्याय देंगे? देखिए, अमर सिंह एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने मंदिर मठ की 120 बीघे जमीन पर कब्जा करके रखा था। मेरी महंती होने के बाद शासन प्रशासन ने उस कब्जे को हटवाया, लेकिन जब से गोंडा में DM मार्कंडे शाही और SP संतोष मिश्रा जी आए हैं तो राजनेताओं के संरक्षण में, क्योंकि जो अपराधी है उसको यहाँ BJP के कुछ आपराधिक छवि वाले नेता हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं स्थानीय, जिसकी वजह से उसका अपराध पनपता फूलता जा रहा है। वो थाने का हिस्ट्री सीटर अपराधी है, 35 मुकदमे हैं, कई बार गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो गई। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ देश के, अपने प्रदेश के माननीय SSC मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, आप बोल रहे हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, सबका साथ सबका विकास लेके हम चल रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है। उन्हीं साधु संतों को प्रताड़ित किया जाए। देखिए, पहले तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगा था कि साधु संतों पर लाठी डंडे बरसाती है पार्टी, ये ब्राह्मण विरोधी है, साधु संतों का विरोधी है, हिंदू विरोधी पार्टी, उसको घोषित किया गया था। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज क्या है, इससे क्या होता है? देखिए, जब यहाँ का प्रशासन नहीं सुन रहा, आखिर प्रशासन तो आपका है, नेता तो आपके हैं, सांसद विधायक तो आपके हैं, और अपराधी छवि वाले नेताओं को जब टिकट मिलेगा तो और क्या करेंगे? उनके साथ जो भी चमचागिरी में लगा रहता है वही मंदिर की संपत्ति लूट रहा है, वही मंदिर की धन हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो हम कैसे मान लें आज के डेट में साधु संत सुखी हैं? राज जी, जिस तरीके की समस्या आपने गोंडा में बताई है कि किस तरह से आश्रम में लोग आए और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाल फिलहाल में इलाहाबाद की घटना ले लें या कई ऐसी जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग ये कहने लगे हैं कि मठों में, मंदिरों में बहुत सारी संपत्ति होती है,
इसीलिए वहाँ पर अपराध होते हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो मंदिर मठ में जो संभ्रांत संत हैं, महंत हैं, उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, जैसे साधु संतों के पास भक्तों के अनुसार से ये लोग जो नेता लोग हैं उसको वोट बैंक के हिसाब से देखने लगते हैं, और जब उनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और बाबा जी की विचारधारा भाई जो सही करेगा उसके तरफ बाबा जी जाएंगे, बिल्कुल जैसे अभी जो महंत पूज्य नरेंद्र गिरी जी की जो हत्या हुई उसका भी कारण संभवतः यही रहा होगा, क्योंकि देखिए ये हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि आजकल रिपोर्ट कैसे बदली जाती है, SIT कैसे बदल देती है, CBI भी तो उन्हीं के अंडर में है, आखिर कहीं ना कहीं से माना जाए तो देखिए जितनी भी हत्याएं हो रही हैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार हत्या हो रही है। यहाँ देखिए जो सत्ता पक्ष का गुलाम साधु बैठा है, जो सत्ता पक्ष की बात कर रहा है, जो उनके हाँ में हाँ मिला रहा है, जिसको गलत सही बोल रहा है, सही को गलत बोल रहा है, ऐसे लोगों को चार चार गनर मिले हैं, 10-10 सुरक्षाकर्मी चल रहे हैं, और जिनको रियल मायने में सुरक्षा की आवश्यकता है, ज़मीनी हकीकत है, उनको सुरक्षा चाहिए, जिनके भूमि विवाद चल रहा है उनको कोई सुरक्षा नहीं है, उसकी हत्या हो जा रही है, उसकी ज़मीन शासन खुद अपने कब्जे में कर लेती है, और फिर जो वहाँ के स्थानीय सांसद विधायक बोलेंगे उस हिसाब से टीम गठित करके उसको दे दी जाती है, ये कहाँ का न्याय है? देखिए जो अपना आश्रम है मनोरमा उद्गम स्थल, वहाँ से मनोरमा नदी उत्पत्ति हुई है। देखिए मनोरमा एक ऐसी नदी है जिसकी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इटिया थोक थाना अंतर्गत उसकी उत्पत्ति होती है। देखिए महाराजा दशरथ जी को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उसी नदी के तट पर मखौड़ा में यज्ञ किए थे, प्रतिष्ठित यज्ञ, जिसके बाद राम जी की प्राप्ति हुई। देखिए मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ साधु संत सुखी हैं। देखिए अयोध्या की भी ज़मीनी हकीकत देख लीजिए, कुछ ऐसे भी मठाधीश हैं जो राजनीतिक बहुत बड़े चेहरे माने जाते थे लेकिन आज भी वो मजबूर हैं। कुछ BJP के ऐसे भी सांसद विधायक हैं जो इस सरकार के नीचे नतमस्तक हैं, सही की आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन मजबूरी बस पार्टी के दबाव बस नहीं बोल पाते हैं। महाराज जी, इस समय सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो खुद गोरखपुर पे गोरखपीठ के महंत रहे हैं, ऐसे में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं सरकार से तो अपील यही करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ घटना हुई है मुझे न्याय मिले। मुझे 2018 से गनर मिले हुए थे, 18, 19, 20, फिर मुझे किस कारणवश सुरक्षा को हटाई दी गई। जैसे सुरक्षा हटती है तो हमारे ऊपर गोली चलती है, उसको साजिश का करार इनका प्रशासन दे देता है, फिर इसके बाद अभी मारपीट होती है जिसका वीडियो साक्ष्य है, वीडियो साक्ष्य होने के बाद भी उल्टा हमारे ऊपर FIR हो जाती है। देखिए अपराधियों को तो कोई नहीं छू रहा, अपराधी दरोगा के साथ चाय पी रहा है, अपराधी SDM कोर्ट में हंस रहा है, SDM कोर्ट में धमकी दे रहा है, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया और कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई उस प्रकरण को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा है। और जब हत्या हो जाएगी तो यही बड़े बड़े मठाधीश, यही बड़े बड़े नेता आवाज़ उठाएंगे कि CBI जाँच हो, SIT जाँच हो, लेकिन आज वीडियो साक्ष होने के बाद कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। महाराज जी, 3 दिन हो गए हैं आपको यहाँ बैठे हुए इको गार्डन में, अभी तक प्रशासन ने आपकी कोई सुध नहीं ली है, और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आंदोलन फिर किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए आंदोलन व्यापक रूप से रूप दिखाएगा, और हमारे प्रयागराज की धरती से अखाड़ा परिषद के साधु संत वहाँ से कूच करने वाले हैं, अब कुछ संत हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि की धरती से कूच करेंगे, फिर ये योगी आदित्यनाथ इस आंदोलन को संभाल नहीं पाएंगे, फिर हम देखते हैं कि साधु संतों को कैसे रोकते हैं। अभी तक तो आम आदमियों की आवाज़ ये लाठी के दम से दबा देते थे, अब देखते हैं कि साधु संतों की आवाज़ ये कैसे रोकते हैं, क्योंकि हमारी मांग कोई राजनीतिक मांग नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए,